हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कैप्सिकम और आलू की सब्जी। इसके लिए हमने ली है दो कैप्सिकम्स जो अराउंड मीडियम साइज की है, और ये थोड़े से आलू जिन्हें कि हमने बॉईल करके और पील कर लिया है। अब हम जो शिमला मिर्ची है हमारी कैप्सिकम्स, उसका ऊपर से इस तरह से ये डंडी को अलग कर लेते हैं। इसके लिए हम चारों तरफ से इस तरह से इसे चाकू से काटते हैं, चारों तरफ से काट के और इस तरह से इसे अलग कर लेते हैं ताकि हम इसके अंदर आलू भर सकें। हमने जो उबले आलू लिए थे उन्हें हमने इस तरह से मैश कर लिया है, और इसमें अब हम ये सारे मसाले मिला देंगे जो कि हैं रेड एंड ग्रीन चिलीज, थोड़े से प्याज, अमचूर पाउडर, काली मिर्ची, थोड़ी सी हींग, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार। तो फ्रेंड्स, ये सारे मसाले आपको इसी रेशो में लेने हैं जैसे कि हमने दिखाए हैं। अब इन्हें हम इसके अंदर मिक्स करके और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं हाथ से। इस तरह से हम इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारा चटपटा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें इसे शिमला मिर्ची के अंदर भर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसमें मसाला भरते हैं तो आपको याद रखना है कि आप अच्छे से इसमें मसाला अंदर स्टफ कर दें, क्योंकि कम मसाला होगा तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। जितना ज्यादा मसाला होगा उतना ही चटपटा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप्सिकम्स एकदम स्टफ हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी राई, मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड्स। अब हम इसमें इस तरह से ये कैप्सिकम्स को रख देते हैं। इन्हें थोड़ा सा हम हिला लेते हैं, इस तरह से रोल कर लेते हैं, और अब हम इसे ढक देते हैं। इसे हम इस तरह से ढककर पकाते हैं और अराउंड 2 से 5 मिनट के बीच इसे चेक करते रहते हैं कि ये पक गई कि नहीं। हमने इसे अराउंड 10 मिनट तक पकाया है और एवरी 2 से 5 मिनट्स के बीच हमने इसे चेक किया है और इसे टर्न किया है। तो फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब इसमें हम बाकी का जो आलू का मसाला है जो हमारा बचा हुआ था पहले, वो हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं ताकि ये तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे हम अगले 5 मिनट्स तक के लिए पकाते हैं कवर करने के बाद। 10 मिनट पकाने के बाद हम इसे इस तरह से ट्रे में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी स्टफ्ड कैप्सिकम रेडी है। इसे हम ऊपर से धनिया पत्ती के साथ गार्निश कर देते हैं, और ये आलू का मसाला है जो हमने साइड में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, ये सब्जी आप रोटी के साथ या फिर राइस के साथ मजे से खाइए फ्रेंड्स, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।